मोर देन 3000 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल है एंड दीज क्रिस्टल डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स आर डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स. ये क्रिस्टल कार्बन कंटेंट के, सिलिकॉन का, अल्मीनियम ऑक्साइड का और नेफ्राइट का डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट के बेस के ऊपर इनका नामकरण हुआ. और ये हमारी फिजिकल बॉडी, मेंटल इमोशनल बॉडी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं. सपोज द पर्सन इज फेसिंग ए प्रॉब्लम विद द किडनी, किसी का डायलिसिस हो गया, किसी को सिस्ट है, किडनी के सिस्ट है, किसी को स्टोन है, किडनी स्टोन. फॉर दैट ग्रीन जेडे करके एक स्टोन विच इज सच ए वंडरफुल स्टोन, जो कि किडनी के अंदर स्टोन, किडनी के अंदर किडनी श्रिंक कर रही है, किडनी डायलेट हो गई है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, किडनी में सिस्ट है या किडनी के अंदर डायलिसिस का इशू है, फिल्टर नहीं कर रही, ईजीएफआर का इशू है, इन तमाम चीजों को ठीक करने के लिए ये जो स्टोन है ये बहुत बेहतरीन है. कलर इसका लिटिल बिट ग्रीन एंड ग्रीन कलर इज द डिपिक्शन ऑफ आवर हार्ट चक्रा. ऑन द इमोशनल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम इस चक्रा को, दैट मीन यू आर स्ट्रेंथनिंग योर हार्ट चक्रा, व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ट चक्रा दैट विल बी रियली वंडरफुल, कि वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिसीजन जहां पे आप बड़े इमोशनल होके भी ले लेते हो, उन तमाम डिसीजन को सही तरीके पे करने के लिए ये स्टोन बहुत अच्छा है. द अनदर फेवरेट स्टोन जो कि हमने अभी ट्रेड फेयर लगा वहां पे ये स्टोन सबकी, द चॉइस ऑफ एवरीवन, ये स्टोन, ये क्रिस्टल सबके सबका कहता है. नेम ऑफ द स्टोन इज एमिथिस्ट. कलर ऑफ द स्टोन इज वायलेट कलर एंड वायलेट कलर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर क्राउन चक्रा. That means our entire brain, our entire body, whether it is a physical, mental or emotional body, is under the control of brain. And this amethyst, which is of a violet color, play an important role to have a good functioning, physical functioning of the body as well as the emotional, mental. हम तमाम चीजें अपने ब्रेन से कराते हैं, करते हैं, और उसके लिए ये स्टोन जिसका रंग वायलेट कलर, एमेथिस्ट, जो कि बहुत बेहतरीन काम करता है. द अनदर स्टोन दैट इज कॉल्ड टर्कोइज, इसका कलर बहुत सुंदर, इसको फ्रोजा भी कहते हैं. अरुणिमा में सबसे प्रोमिनेंट कलर जो दिख रहा है उनकी बाजू में, वो फ्रोजा का रंग है. और फ्रोजा एक ग्रेट कम्युनिकेशन, बहुत स्ट्रेंथ वाली कम्युनिकेशन है, अफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपके भाव को चेंज कर देने वाली कम्युनिकेशन, एक असर डालने वाली कम्युनिकेशन. और बहुत सारी स्पिरिचुअल कहानियां इसके साथ जुड़ी है, जो कि स्पेशली जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो फ्रोजा मोर और लेस आप देखोगे बहुत बहुत पसंदीदा स्टोन या क्रिस्टल है. ये स्टोन जितने भी उनके बड़े जो इस विद्या के ऊपर या इस्लाम के ऊपर जिन्होंने बहुत विशेषक हासिल किया, वो ये स्टोन को ग्रहण करके उनकी जो दे फील दैट द कंसंट्रेशन लेवल टू कनेक्ट विद अल्लाह ताला, टू कनेक्ट विद सुपर माइटी या ऑल माइटी या सुपर नेचुरल पावर, उनको कनेक्ट करने के लिए, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन के लिए ये जो स्टोन है दैट इज कॉल्ड फ्रोजा बहुत इंपॉर्टेंट. अनदर स्टोन दैट इज कॉल्ड टाइगर आई. टाइगर आई जो कि स्ट्रेंथ देता है, जो एनर्जी लेस नहीं होने देता. एनर्जी लेस होने का मतलब जो अगर किसी को बड़ा लो फील हो रहा हो,
जब बहुत ज्यादा जो सपोज करो लो फील हो रहा हो या उसको नजर टाइगर आई बेसिकली गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत तेज स्ट्रेंथ देता है, तो उस स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए उस एनर्जी उस बड़ी स्ट्रेंथ को तेज रखने के लिए ये टाइगर आई जो कि सी द नेम इटसेल्फ कन्वे टाइगर आई, कैसी आंखें, चीते की आंखें, और चीते की आंखों में खास बात होती है अंधेरे में भी शिकार को ढूंढ लेता है क्योंकि रॉड एंड कॉर्न सेल चीते में बहुत होते हैं और रॉड सेल ज्यादा होते हैं कॉर्न सेल कम, रॉड एंड कॉर्न सेल हमारे शरीर में होने से हमारी बॉडी के अंदर ये फाइंड आउट होता है कि हम किसी को देख पाएंगे, दूर तक देख पाएंगे, कलरफुल चीजें देख पाएंगे कि नहीं, ये सारा कन्वे होता है। नंबर 10 स्टोन नंबर 10 दैट इज ब्लैक टर्मोलिन, जिसको कई लोग इसको हकीक काला हकीक ब्लैक टर्मोलिन जो कि काला रंग सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर संभाल लेता है, सारा नेगेटिविटी को अपने अंदर समा लेता है, लेकिन ये स्टोन की खासियत है कि सारी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेता है लेकिन अपनी गुणवत्ता को ये डिस्टर्ब नहीं करता, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद इट्स ओन, ये स्टोन बहुत